A system of volume V contain a mass m of gas at a pressure p and temperature T. The microscopic properties of the system obey the flowing relationship P plus A by V square into V minus B equal to mRT, where A, B and R are constant. Obtain an expression for the displacement worked on by the system during a constant temperature expansion from the volume V1 to volume V2. Calculate the work done by the system which contains 10 kg of this gas is expanding from 1 meter cube to 10 meter cube at a temperature of 293 Kelvin. Use the value A, 15.7 into 10 Newton meter force, and B, 1.07 into 10 power minus 2 meter cube, and R, 0.278 kilojoule per kg Kelvin. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिस्टम है, सपोज मैं मानता हूँ यह एक सिस्टम है और इस सिस्टम में जो गैस है वह गैस क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है, ठीक है। यह इसकी इनिशियल है और गैस मानते हैं सिस्टम है, सिस्टम जो एक्सपांड कर रही है, एक्सपांड करके इतना पाई है, और इसका जो होता है मास इसमें है एम है, वॉल्यूम जो होता है भी है, और जो होता है प्रेशर, जो होता है प्रेशर जो होता है कितना है पी है, और टेम्परेचर जो होता है टी है, ठीक है। सिस्टम एक्सपांड कर रही है तो मुझे किसमें क्या फाइंड आउट करना है, पीडीवी वर्क फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट वर्क फाइंड आउट करना है, ओके। तो मुझे इसमें पीडीवी, तो पी इक्वल टू, पी इक्वल टू वर्क निकालना है, वर्क इक्वल टू पी डी भी निकालना है वी वन से वी टू के बीच में, ओके। वॉल्यूम एक्सपांड करिए, देखिए तो ये जो इक्वेशन है उसमें जो है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे, जो कि रिलेशन किसके, पी ए प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू एम आर टी, जो कि इसको जो टी कांस्टेंट है तो ये एम आर टी इक्वल टू सी, ऑल्सो दिस वैल्यू इक्वल टू सी, ओके सी इक्वल हो गया। तो मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन से पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू सी, क्योंकि जो ये गैस एम आर टी इक्वल टू सी और टी टेम्परेचर कांस्टेंट पे है तो इस इक्वेशन को फ्लो कर रहा है, तो दिस इक्वल टू सी एंड ऑल्सो दिस वैल्यू ऑल्सो इक्वल टू सी विल बी इक्वल टू सी, देन यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू सी बाई वी माइनस वी, और पी इक्वल टू सी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर, ओके। तो मैं यहाँ वर्क के वैल्यू तो वी वन से वी टू रख दे रहा हूँ, ओके। तो ए बी, ए है बी है और आर, ये सब कांस्टेंट है, ओके। तो पी के वैल्यू है सी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई बी स्क्वायर इक्वल टू डी भी है, वर्क इज इक्वल टू जो है वी वन से वी टू के बीच में जा रहा है, तो सी इज कांस्टेंट है, तो सी कांस्टेंट बाहर करते इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे एल एन बी माइनस बी आएगा, और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ वन बाई बी होगा, ओके। तो वर्क इक्वल टू वी वन से वी टू, तो सी एल एन, अब इसको एल एन वी टू माइनस वी वन बाई वी टू माइनस बी, वी टू माइनस बी बाई वी वन माइनस बी फाइनल बाई इनिशियल, ओके, माइनस ए और माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन बाई वी टू माइनस वन बाई वी, ओके। तो वर्क इक्वल टू जो है सी, तो सी के वैल्यू देखिए, तो फिर सी के वैल्यू एम आर टी के बराबर होता है, सी इक्वल टू एम आर टी के बराबर हो जाएगा, तो एम आर टी एल एन वी टू माइनस बी बाई वी वन माइनस बी,
प्लस ए इंटू वन बाई वी टू माइनस वन बाई वी। तो वर्क इक्वल टू, देखिए अब एम तो मास जो है, ये मास देखिए, मास कितना दिया है 10 केजी दिया है। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम कहाँ से जा रहा है, तो वी वन के वैल्यू 1 और वी टू की वैल्यू है 10 मीटर क्यू है। प्रेशर कितना दिया है, तो प्रेशर इसमें प्रेशर की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू कितना दिया है 293 केल्विन दिया है। और ए ए के वैल्यू, बी की वैल्यू यह है और ए के वैल्यू यह और आर के वैल्यू यह है। ओके तो मुझे सबकी वैल्यू फुट करना है। एम जो है मास कितना है 10 केजी, आर कितना है, आर मुझे है 0.278 इंटू टी कितना है, टी जो है 293 केल्विन। ओके एलन वी टू कितना है, वी टू हमारा 10 है, माइनस बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू कितना है, तो बी की वैल्यू, बी की वैल्यू दिया है 1.07 इंटू 10^-2 बाई बी वन की वैल्यू 1-1 पॉइंट, बी की वैल्यू 0.07 इंटू 10^-2 प्लस ए की वैल्यू कितना दिया है 15.7 इंटू 10 1 बाई वी टू कितना दिया 10-1 बाई 1 वी वन की वैल्यू 1 दिया है। ओके तो वर्क कितना होगा, जो वर्क जो है तो यह होगा, मुझे इसको सॉल्व करेंगे तो 8814.54 ln, ln जो है जब इससे वाला ऊपर सॉल्व करेंगे ln की वैल्यू 9.99 बाई और इसे सॉल्व करेंगे 0.99 होगा प्लस 15.7 इंटू 10 इंटू माइनस जब इसे सॉल्व करेंगे -9/10 होगा। तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा, तो कितना होगा वर्क इक्वल टू, तो 814.54 इंटू जब इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे आएगा कितना आएगा ln, यह ln, ln कितना आएगा, तो यह ln, ये जब इस पे कैलकुलेटर से हेल्प से सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरे 9.99 10.09 प्लस 15.7 इंटू 10, तो यहाँ इसको माइनस को बाहर कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएंगे और 10 × 9/10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो वर्क इक्वल टू जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1882.84 माइनस ऑफ, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 141.3 आएगा। तो फाइनली मेरा वर्क कितना हो जाएगा 1742 किलो जूल आंसर होगा।